हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल आज आपसे बात करूंगा कि जो 68,500 लिखित भर्ती परीक्षा हो गई है उसकी उत्तर पुस्तिका में जिस प्रकार के उत्तर दिए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उनमें से कौन से जवाब सही होंगे और किस तरीके से दिए गए उत्तर सही होंगे, तो हम लोग आज उसके विषय में चर्चा करेंगे और देखते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे कि अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके कि उन्होंने क्या उत्तर लिखा है और सही लिखा है या गलत लिखा है। तो देखते हैं, सीरीज ए का नवा प्रश्न है जैसे, तो उसमें एक लाइन दी हुई थी, अस कहीं कुटिल भई उठ ठाड़ी, मनहु रोष तरंगड़ी बाढ़ी के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है। तो देखिएगा, अगर आपने एक पंक्ति में लिखा है और उत्तर सही लिखा है, जैसे उत्प्रेक्षा, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो आपका जवाब सही होगा। अगर आपने उत्प्रेक्षा अलंकार लिखा है तब भी सही होगा। अगर खाली उत्प्रेक्षा लिखा है तब भी आपका जवाब सही होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कौन सा अलंकार, तो उत्प्रेक्षा सही है। अगर आपने उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा इस तरीके से लिखा है तो आपका जवाब गलत होगा। और हिंदी में जो वर्तनी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, बाकी अन्य विषयों में आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन हिंदी में और संस्कृत में आपकी वर्तनी बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी जवाब का जो है वो आपको सही नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो नोट है कि जैसे मैंने लिखा था, हिंदी भाषा में वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, वर्तनी शुद्ध होने पर अंक मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा। तो और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे एक प्रश्न है नंबर 4 का, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द है जैसे चक्रपाणि, उसे चक्रमाणि कहते हैं। एक पंक्ति में आपने लिखा सही, चक्रपाणि खाली लिखा तब भी सही। अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो आपको अंक नहीं मिलेगा। मैंने बताया है कि अगर हिंदी भाषा में सही लिखा होगा, बिल्कुल सही लिखा होगा, तभी आपको अंक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में द्विगु समास है, आपको अंक मिलेगा। द्विगु समास खाली लिखा तब भी अंक मिलेगा, द्विगु लिखा है तब भी अंक मिलेगा, लेकिन अगर इस तरीके से द्विगु लिखा है तो आपको अंक नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हिंदी में आपकी वर्तनी गलत होती है तो आपको अंक नहीं मिलेगा, और अन्य सब्जेक्टों में अगर मिलता जुलता होगा तो आपको अंक जरूर मिलेगा। जैसे एक प्रश्न है, इस पे आपत्ति की गई है, ये नाम को लेके ही आपत्ति की गई है, पाठ योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली के प्रणेता कौन थे। तो इस तरीके से लिखा गया हर्बर्ट, इस तरीके से हर्बर्ट ये उत्तर पुस्तिका में दिया गया है, इस तरीके से बहुत लगभग इसी तरीके से लोगों ने लिखा है, तो इस पे आपत्ति दर्ज कराई गई है। देखते हैं अब क्या होता है, बाकी ये मिलता जुलता है, आपको नंबर मिल ही जाएगा। जैसे एक प्रश्न है स्किनर वाला, इस पे काफ़ी चर्चा हुई तो मैंने इसको लिया, जैसे अभिक्रमित अधिगम किससे संबंधित है, इसके सिद्धांत से संबंधित है, तो उत्तर जो उत्तर कुंजी आई है उसमें लिखा है B.F. स्किनर, और बहुत से लोगों ने उत्तर दिया है स्किनर, तो आपको इसमें अंक जरूर मिलेगा, क्योंकि स्किनर के ऊपर एक प्रश्न है, उसमें थांडाइक के साथ लिखा हुआ E.L. थांडाइक, और फिर बाद में थांडाइक लिखा हुआ है, E.L. थांडाइक, फिर थांडाइक, तो इट मीन्स आपको इसमें नंबर मिलेगा। हिंदी भाषा तथा संस्कृत भाषा को छोड़कर अन्य विषयों में मिलते जुलते उत्तरों पर अंक मिलना चाहिए और मिलेगा भी आपको। अब देखते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 121 है, तो इसमें दिया गया है, किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का नवा महासचिव नियुक्त किया गया। तो इसका जवाब एंटोनियो गुटेरस लिख के आया है। अगर आपने एंटोनियो गुटेरस लिखा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है तो आपको नंबर मिल ही जाएगा इसमें। और देखिए, एक प्रश्न था कि जल्लीकट्टू किस राज्य में होता है, तो देखिएगा तमिलनाडु, लिखने के तरीके किस तरीके से लिखा गया है तमिलनाडु।
देखिए तमिलनाडु, और फिर तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु, तो आपको इन दोनों में अंक मिल जाएगा, लेकिन इसमें और इसमें अंक मिलने की संभावना ना के बराबर रहेगी। और एक बात है कि जैसे बहुत से लोगों ने पहले किसी प्रश्न का उत्तर गलत लिखा, फिर ब्रैकेट में उसको सही लिख दिया, तो आपको अंक नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए भारत में फ्रांसीसियों ने कंपनी सबसे पहले कहाँ लगाई, तो सबसे पहले किसी ने लिख लिया मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम लिख लिया, फिर ब्रैकेट में लिख दिया सूरत, क्योंकि आप कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से बहुत से लोगों ने ये किया कि मुसलीपट्टनम पहले लिखा, फिर बाद में सही वाला लिख दिया सूरत, तो आपको इसमें अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी टीचर होता है वो पहला वर्ड चेक करता है, इसीलिए आपको इसमें अंक नहीं मिलेगा। आपने पहले अगर गलत लिखा है तो वो गलत ही माना जाएगा। अगर आपने पहले सही लिखा है, जैसे फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कहाँ लगाई, आपने लिख दिया सूरत, फिर बाद में आप कुछ भी लिखिए, आपका यही उत्तर चेक होगा, तो आपको अंक ज़रूर मिलेगा इसमें। बाकी अगर आपने पहले गलत लिख दिया है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में या ऑब्लिक में लिख रहे हैं, तो आपको अंक नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इसी में है तमिलनाडु में देख लेते हैं, जैसे तमिलनाडु फिर लिखा तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु, तो इसमें आपको इसको चेक करेगा टीचर, इसको कुछ नहीं चेक करेगा, इसमें आपने कुछ भी लिखा हो तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। कांडला बंदरगाह का हाल ही में क्या नाम कर दिया गया है नया नाम? तो दीनदयाल बंदरगाह उत्तर में आया है। अगर आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट लिखा तब भी आपको नंबर मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये मिलता जुलता प्रश्न है और मिलता जुलता उत्तर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अंक जरूर मिलेगा। और एक पंक्ति में या एक शब्द में दिया गया उत्तर सही है तो आपको अंक जरूर मिलेगा, ये बात मत सोचिएगा कि आपने एक लाइन में लिख दिया है तो आपको प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका उत्तर सही है तो आपको अंक अवश्य मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि यह उत्तर पुस्तिका के जांचने वाले स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि वह अंक देगा या नहीं देगा। ये भी है कि जो कॉपी चेक कर रहा है वो कितना समझदार है और कितना टैलेंटेड है, तो उसी हिसाब से वो अंक देगा। या फिर अगर उत्तर कुंजी जारी की गई उसी का अगर मिला मिला के चेक करेगा तब फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अभी संशोधित उत्तर की आने वाली है, देखते हैं क्या होता है। वैसे भी इन सभी चीज़ों पर प्रत्यावर्तन दिए जा रहे हैं और देने भी चाहिए, क्योंकि जिससे कि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और जितने भी इलाहाबाद के आसपास के लोग हैं वो इस विषय पर ध्यान रखें और PNP में प्रत्यावेदन जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्यावेदन मतलब जिस तरीके से प्रश्न लिखे गए हैं उनके, अगर इस तरीके से बाई चांस मिलते जुलते प्रश्न हैं तो आपको PNP को बताना पड़ेगा कि इस तरीके से भी अभ्यर्थियों ने उत्तर दिया है, तो आपको प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं तो उनके अंक मिल जाएंगे, तो आपको प्रत्यावर्तन जरूर देना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।